नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। अदावत में एक दूसरे की नीति पर हमला करना तो कहीं से भी गलत नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर निजी हमले करना कांग्रेस की फितरत बनती जा रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर तक कह दिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व सांसद का पीएम मोदी पर विवादित बयान। उग्रप्पा ने पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उग्रप्पा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भस्मासुर से की है। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोदी भस्मासुर की तरह हैं। केंद्र सरकार अनुसार मिस्टर मोदी और ये वंदु भस्मासुरन रीतिनल्ली नडेकोळ्ळतक्कंतदन्नु बिट्टु ई मक्कळिगे एनु आर्टिकल 21 ए प्रकार राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। केंद्र सरकार अनुसार मिस्टर मोदी और तो कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भस्मासुर से की है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीएम मोदी भस्मासुर की तरह हैं। गुजरात चुनाव में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले रावण कहा गया, फिर दुर्योधन, और उसके बाद अब भस्मासुर बता दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए रावण तक का जिक्र किया था। खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं मोदी की सूरत को देखकर वोट दे। केंद्र सरकार अनुसार मिस्टर मोदी और ये वंदु भस्मासुरन रीतिनल्ली नडेकोळ्ळतक्कंतदन्नु बिट्टु ई मक्कळिगे एनु आर्टिकल 21 ए प्रकार राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। केंद्र सरकार अनुसार मिस्टर मोदी और ई वंदु भस्मासुरन रीतिनल्ली नडेकोळ्ळतक्कंतदन्नु बिट्टु ई मक्कळिगे एनु आर्टिकल 21 ए प्रकार राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। केंद्र सरकार अनुसार मिस्टर मोदी और ई वंदु भस्मासुरन रीतिनल्ली नडेकोळ्ळतक्कंतदन्नु बिट्टु ई मक्कळिगे एनु आर्टिकल 21 ए प्रकार राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। केंद्र सरकार अनुसार मिस्टर मोदी और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दरअसल बीजेपी और आरएसएस को महिला विरोधी बताया है। आरएसएस के लोग जय सियाराम का नारा नहीं लगाते हैं, भगवान राम की भावना को आरएसएस के लोग नहीं अपनाते, आरएसएस संगठन में एक भी महिला नहीं है। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है, तो वो जय श्री राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती। सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही है। कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी? तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम, तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए।
चलिए, तो राहुल गांधी का ये बयान लगातार देखिए वायरल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दरअसल महिला विरोधी हैं और संगठन आरएसएस में कोई भी महिला नहीं है, आरएसएस संगठन में एक भी महिला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर है इस वक्त राहुल गांधी, और ऐसे में उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस महिला विरोधी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगर मालवा पहुंचे थे राहुल गांधी और फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को सीता माता उन्होंने विरोधी बताया है। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कभी जय सियाराम और जय सीताराम नहीं बोल सकती, क्योंकि आरएसएस संगठन में एक भी महिला नहीं है। वहीं इस बयान पर संबित पात्रा ने प्रहार किया, बीजेपी का कांग्रेस पर यह बड़ा प्रहार रहा है, क्योंकि कांग्रेस के उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर कहा, कांग्रेस नेता पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं, खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा, पूरा विश्व मोदी का लोहा मान रहा है, गाली देने वाला नहीं वैक्सीन देने वाला बड़ा है। बड़ी खबर, संबित पात्रा ने पलटवार किया है कांग्रेस के पूर्व सांसद की विवादित टिप्पणी का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भस्मासुर से की। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले खड़गे ने रावण कहा, अब उनके ही पूर्व सांसद जो हैं वो भस्मासुर कह रहे हैं। ये पलटवार है, और ये भी कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा दुनिया मान रही है। एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बी एस उग्रप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और एक असुर हैं, भस्मासुर हैं। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये, भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था बी एस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने देखिए पलटवार किया है राहुल गांधी के, जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने महिला विरोधी बताया, इस पर भी पलटवार, और उसके साथ ही कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं उग्रप्पा, उन्होंने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भस्मासुर से की, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के बयान देना कितना जायज है, और आखिर क्यों लगातार कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इस बार उन्होंने छोटी उम्र में लड़कियों की शादियों का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी लड़कियों की शादी 18 से 20 साल में कर देनी चाहिए, उनको इसी मुस्लिम फॉर्मूले का पालन करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर उन्होंने ये बातें कही। असम के करीमगंज में कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 कॉलेज खोलेगा। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड से अपील की कि वो बोर्ड की ओर से बनाए गए कॉलेज में हिंदू लड़कियों को प्रवेश दें।
साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी उसके बाद शादी कर लेते हैं, वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इल्लीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं, उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलुहान होगी, तरक्की तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान का एक तरह से कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी समर्थन किया। आपको सुनाते हैं तारिक अनवर ने आखिर इस पर क्या कुछ कहा। मेरा ख्याल है कि इसको ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा कि 18 से 20 साल में शादी कर देनी चाहिए, तो कानून भी इस बात की इजाज़त देता है, हमारे कानून भी इस बात का प्रावधान है कि 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र हो तो वो शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं समझता हूँ कि अजमल साहब को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए कि कब किसकी शादी होगी। वहीं बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने आपत्ति जताई। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदू सनातन की नीतियों को अपनाओ और एक पत्नी जिसके भी होती है वो 7 जन्मों तक का संबंध होता है। हमारे यहाँ लड़की को या बेटी को, बहन को या पत्नी को कोई खेत और वस्तु नहीं समझा जाता, बल्कि उसको कहा गया हमारे शास्त्रों में अत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं होती है, हम उसे एक सम्मान देते हैं और अपने से ज़्यादा सम्मान, हम भगवान का भी नाम लेते हैं तो पहले सीता और राम बोलते हैं, यानी पहले माँ सीता का नाम लेते हैं, राधा कृष्ण लेते हैं, पहले राधा जी का लेते हैं फिर कृष्ण जी का लेते हैं। तो इसलिए अजमल जैसे लोगों से हमें और हिंदुओं को सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुसंस्कार अपने पास रखें, अगर संस्कार सीखना है तो हिंदू समाज के संतों के पास आए। और इस वक्त से हम योगी आदित्यनाथ अहमदाबाद में जनसभा कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको। लोगों को देश के अंदर राशन की सुविधा भी ये मोदी जी ने कराई, डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की मिल रही थी। भाइयों बहनों ये पहले कभी नहीं हो पाया। राशन के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ये भी मिल रहा है और साथ साथ आपकी आस्था को भी सम्मान मिल रहा है। मैं तो अयोध्या से आता हूं, भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। 500 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, जिसके लिए हिंदुओं पे गोलियां चलती थी, लाठियां चलती थी, संतों का जाना वहां वर्जित कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था, उस कार्य को मोदी जी ने एक झटके में सूझबूझ के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसका भी समाधान कर दिया और स्वयं अयोध्या आए और अयोध्या में रामलला के मंदिर का शुभारंभ अपने कर कमलों से करके भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा दिया। काशी में काशी विश्वनाथ का धाम बन गया। भाइयों बहनों उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड केदारपुरी में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है। द्वारिकापुरी में द्वारिका धाम का पुनरुद्धार हो रहा है। जितना विकर्मण था सब हटाए जा रहे हैं। अब भाइयों बहनों बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते भी आगे बढ़ता है। यह भी एक मॉडल बन गया है और इसीलिए आज आपके बीच में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये आस्था का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती?
आम आदमी पार्टी कर पाती? काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं, न रोजगार दे सकते हैं, न गरीबों के दुख के साथ दुखी हो सकते हैं, न अपनी संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्यों चुनना है? और उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बता दिया, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी कोई सीट खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस दो सीट, 403 में से दो सीट कांग्रेस के पास। भाइयों बहनों, मात्र दो सीट, राम नाम सत्य है के लिए भी चार लोग चाहिए होते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, और अब गुजरात चुनाव की बात करते हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी से टिकट ना मिलने पर मधु श्रीवास्तव वडोदरा जिले की वाघोटिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि मधु श्रीवास्तव वाघोटिया सीट से बीजेपी की 6 बार की टिकट पर चुनाव में जीत हासिल कर चुकी हैं। न्यूज इंडिया से बातचीत की उन्होंने। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण की वोटिंग 5 तारीख को है और ऐसे में हम पहुंचे हैं वाघोड़िया में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त के दबंग नेता, जो कि आज भी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में अपनी साफ बात रखने वाले पूर्व विधायक मधु श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मधु जी, स्वागत है। आज हमारी जाहिर सभा रखी थी और पूरे वाघोड़िया 136 मत विस्तार की स्वयं प्रजा आई है और स्वयं खुद के खर्चे से आए हैं, लोगों जैसा नहीं, कोई पैसा दे के पिला कर भाड़ा दे कर बुलाते। मैंने सिर्फ विकास करा 30 साल के विकास के आधार पर मेरे काम की कदर करी और काम के कदर के आधार पर मेरी जनता आज आई जाहिर सभा में। कल रैली हो गई मेरी, कल रैली में भी कम से कम 3 किलोमीटर की रैली थी। तो ये स्वयं जनता आई है कि 30 साल मैंने लोगों को मेहनत की, खून पसीना बहाकर भी लोगों का काम करा और वो आधार के लिए मेरी प्रजा थी। मधु भाई, भारतीय जनता पार्टी ने आप 6 टर्म से विधायक रहे हैं, बावजूद इस बार आपका टिकट क्यों काटा? भारतीय जनता पार्टी की टिकट काटने का कारण नीचे के लोग है, जो नीचे के संगठन है, जो संगठन के लोग और साथ में संसद सभ्य भी मिलकर मेरी टिकट काटने का प्रयास करा, टिकट काटी है। तो आने वाला है चुनाव के टाइम पे मालूम पड़ेगा कि टिकट काटना और किसे कटाना। मैं पहले भी 1995 में निर्दलीय चुनाव जीता था और इतने वोट से जीता था कि सभी पार्टी के वोट गिनो, भाजपा कांग्रेस जनता दल सबके वोट गिनो, तो ही मैं 27,000 वोट से जीता था। सीआर पाटिल एयरपोर्ट पर आए थे और मुझे समझाया था कि आपको कोई अच्छा पोस्ट दे देंगे, आप भाजपा को सपोर्ट कर दो, आप लड़ो मत। मैंने बोला मेरे को अच्छा देने के कारण जो जिला पंचायत में चुनाव हार गया उसको टिकट विधानसभा की दी है, वो जीत नहीं सकता है, उसको चेयरमैन गिरी देना, जो भी दे दो उसकी टिकट काट के मेरे को दे दो, अभी टाइम है। तो बोले अभी मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मेरा कल तक इंतजार करना है, तक चलेंगे। मधु भाई थे, मधु श्रीवास्तव जी, जिन्होंने ताल ठोका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार भी मधु श्रीवास्तव वाघोड़िया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेगा। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल जाला, वाघोड़िया विधानसभा क्षेत्र, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा की राजपुरा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद बाबू शुक्ल को मैदान में उतारा गया। पूर्व महापौर भी रह चुके बालू शुक्ल से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कई शहरों की तरह बड़ौदा में भी कुछ चेहरे बदले गए हैं
हमारे साथ पूर्व सांसद और रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे बालू भाई शुक्ल मौजूद है। बालू भाई स्वागत है। आप पूर्व सांसद रह चुके हैं वडोदरा लोकसभा क्षेत्र से, इस बार आप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं अपनी पसंदगी को? मेरे लिए पार्टी की हर जिम्मेदारी पार्टी जो देती है वो व्यवस्था के एक स्वरूप में देती है, उसी तरह से मैं लेता हूँ। पार्टी ने पहले मुझे महापौर बनाया था बड़ौदा के, फिर सांसद बनाया था। जब सांसद का चुनाव में लड़ा था तो पूरे गुजरात में हाईएस्ट वोट से मैं चुनाव जीता था, और मेरे सद्भाग्य से मेरे सौभाग्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे विश्व नेता पंतप्रधान नरेंद्र भाई जी मोदी जी मेरे विनती को मान देकर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी ऐसी बड़ौदा शहर से उन्होंने नामांकन किया था और यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन वही था जिस दिन उन्होंने यहाँ से पर्चा भरा था। अब पार्टी ने जबकि ये जिम्मेदारी दी है तो बतौर कार्यकर्ता पार्टी जो भी कामगिरी कार्यकर्ता देती है तो मैं करता रहता हूँ, इसी तरह ये भी विधायक का जिम्मेदारी में भी निभाऊंगा। एक नारा इस बार चला है डबल इंजन सरकार, भरोसा भाजपा की सरकार का, इस नारे को किस तरह से देखते हैं? वडोदरा वैसे ही विकसित है, कुछ समस्याएं हैं ट्रैफिक और छोटी छोटी, तो किस तरह से आप विधायक बतौर विधायक अगर चुने गए तो किस तरह से काम करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? मैं मेरे अगर क्षेत्र की बात कहूँ तो बड़ौदा अगर गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है इसके लिए कि बड़ौदा एक सांस्कृतिक धरोहर है गुजरात की। बड़ौदा के जो डेवलपमेंट हुआ है वो सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने किया था, जिन्होंने देश में कई बड़ी अच्छी बातें सिर्फ बड़ौदा से शुरुआत की थी। आज बड़ौदा में कई मकान ऐसे 200-300 साल पुराने हैं और पुराने मकान अच्छी तरह से है, यहाँ के गरबे प्रसिद्ध है, यहाँ का गणेश उत्सव प्रसिद्ध है। तो इनके कारण जब मेरे रावपुरा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ इलाका ऐसा है जिसको हम कोट विस्तार कहते हैं, जिसको हम पुराना बड़ौदा कहते हैं, तो उसमें चूंकि वो 200 साल पहले बसा हुआ बड़ौदा, इसके लिए वहाँ के रास्ते छोटे हैं इसलिए ट्रैफिक की समस्या वहाँ होती है। थे बालू शुक्ला जो कि रावपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं, ऐसे में 5 तारीख को इनका भी भविष्य जो है वोटिंग उसमें सील हो जाएगा और 8 तारीख को जब मतपेटी खुलेगी तब पता चलेगा कि गुजरात की गद्दी पर कौन आ रहा है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मेहुल झाला, न्यूज इंडिया वडोदरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।